गांजा तस्करों को पुलिस लगातार ले रही सिकंजे में 5 लाख के गांजे के साथ ट्रक स्कॉर्पियो सहित 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, पुलिस टीम होगी सम्मानित। इस समय रीवा पुलिस गांजा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व रीवा की चौराहटा थाने की पुलिस ने एक ट्रक गांजा पकड़ा था जिसके ऊपर सड़ी कटहल, नीचे गांजा था। वहीं रायपुर करचुलियान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक CG04JD4888 को रोका, जिसके ड्राइवर मुकेश कुमार और क्लीनर जयप्रकाश से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करने पर माल की डिलीवरी ट्रक और स्कॉर्पियो MP17CA1453 के बीच होने की बात कबूली थी। रायपुर पुलिस ने वर्तमान में नेहरू नगर में रहने वाले मुकेश कुमार, योगेंद्र द्विवेदी व रोहित कारपेंटर को गिरफ्तार कर 50 किलो गांजा बरामद करने में सफलता पाई है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने गांजे की खेप रायपुर से लाने की बात कबूली है। वहीं पुलिसिया कार्यवाही से खुश होकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को सम्मानित करने की बात कही है। एक गांजे की बड़ी खेप लेकर के रीवा की तरफ आ रहे हैं, तो इस सूचना के आधार पर ट्रक की कार्रवाई की गई और पुलिस को इस पूरे अभियान में 50 किलो गांजा जो है बरामद करने में सफलता हासिल हुई। इसमें जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले हैं प्रमोद तिवारी और रोहित तिवारी जो कि चौरा थाना चौराहटा के रहने वाले हैं। दूसरा है मुकेश कुमार चतुर्वेदी, ये रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। तीसरे हैं जयप्रकाश सिंह जो कि जिला सीधी के रहने वाले हैं। चौथा है योगेंद्र द्विवेदी जो कि विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रहते हैं। और पाँचवें हैं रोहित कारपेंटर और विश्वकर्मा, ये थानागढ़ के रहने वाले हैं। ये जो गांजा की खेप जो है बरामद की गई है उसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है।